नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ प्रिया श्रीवास्तव। लोकसभा चुनाव 2024 के खत्म होने के बाद से लगातार एक ही बात कही जा रही है कि कहीं ना कहीं बीजेपी के अंदर अंतर कलह पनप रही है। बात यूपी की करें तो यहां पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के बगावती तेवर नजर आ रहे हैं, जिसका फायदा विपक्ष का ही उठाता हुआ दिख रहा है। वहीं बात अगर केंद्र की बीजेपी की करें तो उसके हालात भी कुछ सही नजर नहीं आ रहे। दरअसल बीजेपी और संगठन के बीच तनातनी की लगातार खबरें आ रही है, जिसका फायदा विपक्ष उठाता हुआ नजर आ रहा है। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं ये भी आपको बता देते हैं। दरअसल आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने एक बार फिर से ऐसा बयान दे दिया है जिसने हड़कंप मचा दिया है, जो इस ओर साफ इशारा कर रहा है कि संगठन और बीजेपी और पीएम मोदी के बीच सब कुछ ठीक नहीं है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं ये बता देते हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत पिछले एक सप्ताह से झारखंड में है। 3 दिवसीय राष्ट्रीय स्तर के प्रांत प्रचारकों की बैठक में शामिल होने वो 12 जुलाई को झारखंड की राजधानी रांची पहुंचे थे। 18 जुलाई को वो गुमला जिले के बिशुनपुर में थे। इस दौरान उन्होंने एक ऐसा बयान दिया जो हर आदमी पर लागू होता है, लेकिन जिस तरीके की राजनीतिक सरगर्मियां बढ़ी हुई हैं उस हिसाब से देखा जाए तो उनका बयान केवल और केवल पीएम मोदी को टारगेट करता हुआ नजर आया। उनका बयान क्या था वो भी बता देते हैं। दरअसल मोहन भागवत ने कहा, प्रगति और विकास का कोई अंत नहीं है। इंसान पहले सुपरमैन, फिर देवता और उसके बाद भगवान बनना चाहता है। उन्हें लगातार काम करते रहना चाहिए क्योंकि विकास का अंतहीन सिलसिला है। देखा जाए तो तकरीबन 1.25 महीने पहले भी लोकसभा के चुनाव परिणाम की घोषणा के हफ्ते भर बाद ही 10 जून को भी भागवत ने ऐसा ही बयान दिया था। तब उन्होंने कहा था कि काम सब लोग करते हैं, लेकिन काम करते समय मर्यादा का पालन करना चाहिए। मर्यादा का जो पालन करते चलता है वो कर्म करता है, लेकिन कर्मों में लिप्त नहीं होता। उसमें अहंकार नहीं आता कि मैंने किया है, वही सेवक कहलाने का अधिकार ही रहता है। अब देखा जाए तो मोहन भागवत के बयान को कांग्रेस एक नई हवा देने की कोशिश कर रही है। अब कांग्रेस इस बयान को पीएम मोदी से सीधा जोड़ रही है, उसके पास इसका वैलिड पॉइंट भी है। दरअसल मोहन भागवत के सुपरमैन वाले बयान को आपको भी पीएम मोदी के नॉन बायोलॉजिकल वाले बयान से जोड़ना ही होगा। इसमें उन्होंने कहा था कि उनको लगता है कि मेरा जन्म ही बड़े काम करने के लिए हुआ है। अगर आपको याद नहीं आ रहा तो हम आपको याद दिला देते हैं कि आखिर पीएम मोदी ने बोला क्या था। उड़ीसा में एक रैली को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा था, मेरे इंसान पैदा होने की कोई संभावना नहीं है, जैविक रूप से मेरे पैदा होने का कोई मौका नहीं है। ये परमात्मा था जिसने मुझे इस दुनिया में भेजा। मैं जैविक रूप से पैदा नहीं हो सकता था। भगवान ने मुझे इस धरती पर कुछ करने के लिए भेजा है। अब पीएम मोदी के इस बयान को कांग्रेस मोहन भागवत के बयान के साथ जोड़ रही है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने तो सीधे सीधे आरोप लगाया कि मोहन भागवत ने पीएम मोदी पर निशाना साधा है। उन्होंने एक्स पर कहा, मुझे यकीन है कि स्वयंभू नॉन बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री को इस ताजा अग्नि मिसाइल की खबर मिल गई होगी, जिसे नागपुर ने झारखंड से लोक कल्याण मार्ग को निशाना बनाकर दागा है। इस पूरे मसले के बाद एक बार फिर से लोग सोच में पड़ गए हैं कि कहीं वाकई आरएसएस और बीजेपी में सब ठीक नहीं है। मोहन भागवत का पहला बयान लोकसभा चुनाव में भाजपा को अकेले पूर्ण बहुमत न मिलने के बाद आया था। इसी क्रम में उन्होंने लोकसभा चुनाव में भाजपा को अकेले पूर्ण बहुमत न मिलने के बाद पूरी तरीके से एक दोषी के तौर पर करार दिया था। इसी क्रम में उन्होंने निश्चित ही भागवत ने नरेंद्र मोदी को लक्ष्य कर बयान दिया है। तनातनी के अनुमान का एक और आधार भी है। लोकसभा चुनाव के दौरान ही भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कह दिया था कि अब पार्टी को संघ की बैसाखी की जरूरत नहीं है, पहले जरूर इसकी जरूरत पड़ती थी। माना जा रहा है कि लोकसभा चुनाव में संघ ने कोई भूमिका नहीं निभाई, जो कुछ भी हुआ वो भाजपा ने अपने बूते पर किया, इसीलिए शायद बीजेपी को 240 सीटें आई तो इसे इसकी उपलब्धि माना जा रहा है। तो आप खुद सोचिए कि अगर संघ का साथ होता तो शायद बीजेपी 400 का नारा पार कर ले जाती, लेकिन फिलहाल अभी ये तनातनी की खबरें रुकने का नाम नहीं ले रही है।
फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।